फ्रेंड्स, बनारस को जैसे आप जानते हैं वाराणसी एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन, इसी पर्यटक आने की वजह से यहाँ पे संसाधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। और यहाँ पे अगर आप बनारस आना चाहते हैं तो बाई एयर आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं और बाई ट्रेन आ सकते हैं। अब बाई ट्रेन आने के चक्कर में आपको बता दूँ, बनारस में तीन प्रमुख स्टेशन है, मोरवाडी स्टेशन, वाराणसी जंक्शन स्टेशन और वाराणसी सिटी स्टेशन। ये वाराणसी सिटी जो कि मैं आज यहाँ आया हूँ। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद एहसान और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल क्रेजी एंड क्रेजी। फ्रेंड्स, आप जो पीछे एक ट्रेन देख रहे हैं ये मीटर गेज के ट्रेन है और ये इज्जत नगर में बनी थी, पूर्वोत्तर रेलवे ने इज्जत नगर में बनाया था। ये पहले इस पर जब ये भारी व्हीकल जब मीटर गेज की ट्रेन हुआ करती थी तो सामानों को हटाने के लिए इस मीटर गेज ट्रेन को क्रेन का यूज़ होता था। लेकिन अभी ये क्रेन जो है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे की धरोहर के तौर पर रख दी गई है, प्रतीक के तौर पर, क्योंकि अब इसका यूज़ नहीं रहता क्योंकि सारे ब्रांड गेज हो चुके हैं। और ये आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, और अभी मैं आया हूँ वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर। फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का, और ये यहाँ पे मीटर गेज इसकी क्रेन रखी हुई है, ना कि ट्रेन। और ये वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का फ्रंट व्यू है, और ये आप सारा जो देख रहे हैं ये वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है। और ये वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन में बाहर की तरफ काम चल रहा है, प्रगति के तौर पर काम चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं एक बात, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन को मोरवाडी रेलवे स्टेशन की तरह ही सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अभी इस पर काम चल रहा है, ये फाइनली डेवलप नहीं हुआ है। और ये बाहर का भी आइए आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ, दिखाते हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के अंदर, और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पे अभी आप बता रहा हूँ विकास का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाने के लिए काम चल रहा है। और ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे भी रास्ता वास्ता बन रहा है, और अभी ये प्लेटफॉर्म्स हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4 और 5, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म्स हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पहले मीटर गेज का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अब ये चेंज होकर के काफ़ी दिन पहले चेंज होकर के ब्रांड गेज का बन गया है। और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे का एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपको अगर बनारस से मऊ गोरखपुर भटनी जाना है तो आपको वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन आना ही पड़ेगा, और यहाँ से टोटल 11 नंबर ट्रेन स्टार्टिंग ओरिएंट और यहाँ पे ख़त्म होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, और टोटल 26 जोड़ियाँ पैसेंजर ट्रेन यहाँ से पास आउट होती हैं जो अप एंड डाउन करती आती जाती हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको एक और व्यू दिखा देता हूँ, इधर की तरफ पूरा वॉशिंग लाइन बन रहा है क्योंकि वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो पहले वॉशिंग लाइन नहीं थी यहाँ पर, अब यहाँ पर वॉशिंग लाइन डेवलप किया जा रहा है, आपको दिखाता हूँ उसका व्यू। फ्रेंड्स, वो जो एरिया देख रहे हैं ये ट्रेन के पीछे की तरफ, ये पूरा वॉशिंग लाइन डेवलप किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पे ऊपर के व्यू से, और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पे 2 फुट ओवर ब्रिज है जो प्लेटफॉर्म से लेकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर 5 नंबर प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करते हैं। और ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये नया वॉशिंग लाइन कैप्टन डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पे अगर वाराणसी सिटी स्टेशन पर जो भी गाड़ियाँ आएंगी उनके वॉशिंग करने के लिए और धुलाई करने के लिए। और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का कोड है BCY, और ये नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है। वाराणसी का जो मुख्य स्टेशन है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, वहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट में 4 किलोमीटर पड़ता है, और ये एनी जोन में आता है, पूर्वोत्तर रेलवे के जोन में आता है। और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से आप शहर में उतर करके विश्वेश्वरगंज जा सकते हैं, विश्वेश्वरगंज यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ेगा, और लगभग BHU यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर, और वाराणसी एयरपोर्ट जो पड़ता है वो 23 किलोमीटर पड़ता है। और फ्रेंड्स, पहले जो प्लेटफॉर्म था वो यहीं तक था, ये जो होर्डिंग देख रहे हैं अब वो बढ़ा करके वो देखिए पीछे तक वहाँ तक चला गया है। ये डेवलप होने की वजह से हुआ है क्योंकि रेलवे स्टेशन को जो एक्सटेंड किया गया है इस वजह से काफ़ी दूर तक लंबा प्लेटफॉर्म बना। पहले यहाँ के प्लेटफॉर्म भी काफ़ी छोटे थे और जिससे लंबी दूरी की गाड़ियाँ जो आती थी वो स्टेशन से बाहर तक निकल आती थी, अब ये प्लेटफॉर्म बड़े किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, तो इस पर सीटिंग अरेंजमेंट और जो ट्रेनों के डिस्प्ले और कोच डिस्प्ले और ये बैठने के लिए देख रहे हैं वो अनारक्षित टिकट काउंटर है, और ये जो है सामने ये पीछे की तरफ देख रहे हैं ये आरक्षित टिकट काउंटर है यहाँ। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, वाराणसी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जो ऑन करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टिल देन एंजॉय करिए, मस्त रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार।